स्वागत है आप सभी का आज के हमारे खास कार्यक्रम युवा मंच में। मेरा नाम है पल्लव कुमार और आप देख रहे हैं भारत फर्स्ट। युवा मंच भारत फर्स्ट की तरफ से की गई एक ऐसी पहल है जहां हम युवा वर्ग को प्रभावित करने वाले मुद्दों को चर्चा का विषय बनाते हैं और युवाओं के साथ ही उन पर चर्चा करते हैं। तो इसी प्रकार आज की हमारी चर्चा का विषय है रोजगार में योग्यता व संभावनाएं। इस विषय पर अपनी राय देने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास युवा मेहमान उपस्थित हैं जिनका परिचय मैं अपने सभी दर्शकों से कराना चाहूंगा। आज हमारे साथ हैं क्षितिज मंधारे। क्षितिज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में हॉस्पिटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं और क्षितिज साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं। स्वागत है आपका क्षितिज। आज हमारे साथ हैं अमन जोशी। अमन को फाउंडर हैं एस्टेंड एजुकेशन नाम के एक स्टार्टअप के और प्राइवेट सेक्टर से काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो आपका स्वागत है अमन। हमारे साथ हैं आज आशीष सिहाग। आशीष ICSSR मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में LDC के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में 2019 में इन्होंने SSC CHSL की परीक्षा को क्वालिफाई किया है और सरकार के साथ काम कर रहे हैं। तो आप सभी मेहमानों का भारत फर्स्ट के इस मंच पर एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा को शुरू करते हुए मेरा पहला सवाल क्षितिज से है। क्षितिज, जैसा कि आप स्टूडेंट हैं, तो किस प्रकार की बातें मन में होती हैं जब एकेडमिक सिनेरियो में, एकेडमिक परिदृश्य में सोचते हैं, और क्या होता है जब एक विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है? मतलब सच में देखा जाए तो इसका आंसर ऐसे हर विद्यार्थी के लिए अलग अलग रहेगा, क्योंकि कोई विद्यार्थी ऐसा कोर्स कर रहा होगा जिस कोर्स में उसको सिलेबस के साथ पढ़ाई करनी है। जैसे अगर कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स के साथ सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उसका, और उसी के साथ उसका बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी सोशियोलॉजी है, तो उसके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि वो एक तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी रख सकता है और उसके साथ उसका एकेडमिक बैकग्राउंड भी सेम है, तो उसके साथ और बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाकी के सब्जेक्ट्स भी उसको कंपैरेटिवली हेल्प करेंगे। पर अगर इसी के खिलाफ देखा जाए, जिसमें मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, तो ऐसे फार्मास्यूटिकल साइंसेस ऐसे करके कोई ऑप्शनल नहीं है, तो इन विद्यार्थियों के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि इनको एक तो अपना एकेडमिक सिलेबस अलग से पढ़ना पड़ता है, उसके अलावा UPSC की पढ़ाई अलग, क्योंकि उधर टोटली सिलेबस अलग है, तो इधर का सिलेबस अलग, उधर का सिलेबस, तो उनको थोड़ा ज्यादा मतलब हार्डवर्क करना पड़ता है उस फ्रंट पे। अगर देखा जाए तो उनका हार्डवर्क थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। ये दो चीजें होती है, और इसके अलावा मुझे लगता है अगर किसी ने ये बस थोड़ा सा इधर उधर का बैलेंस कर लिया और प्रायोरिटीज अगर सही सेट कर ली तो ठीक है, चल जाता है सबके लिए। अगर देखा जाए मानसिक स्तर पे किस प्रकार की जैसे बदलाव का, लाइक एक समय तक आप एकेडमिक पढ़ रहे होते हैं और जैसा कि आपने बताया सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, बैकग्राउंड चेंज हो जाते हैं, तो जब आप आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, लाइक किसी भी परीक्षा की गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या कुछ, तो जो मेंटल स्टेटस में जो चेंज होता है उस पर क्या कह सकते हैं? मेंटल स्टेटस एक्चुअली अगर देखा जाए तो सबके लिए अलग अलग रहता है, क्योंकि कोई इंसान कहते हैं ना जो जिसका जेन एटीट्यूड है, मगर जो भी कंडीशन है तो उसको बस एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि आप फार्मेसी अगर लिया है तो उसके साथ पढ़ाई करनी है तो करनी है, मतलब उसको कोई मतलब दूसरा अलावा अप्रोच ही नहीं है, उसके सिवा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप फार्मेसी जो है बैकआउट करके वापस से बैचलर ऑफ आर्ट्स में जाएगा कोई, तो उसको वापस से डिग्री हासिल करने में और एक साल का समय लगेगा, तो उसमें बैकआउट करने का चांस नहीं है। तो आप जो हुआ है उसके साथ ही कंडीशंस को जैसे एक्सेप्ट कर सकते हो वैसे एक्सेप्ट करके, वो बस हर किसी के लिए अलग अलग रहता है, किसी का जो मेंटल स्टेटस रहता है तो उसका एटीट्यूड ही वैसे रहता है, कोई जो बस नहीं एक्सेप्ट कर सकता, एंड दैट इज टोटली नॉर्मल। अगर किसी को नहीं हो रहा है एक्सेप्ट उतना प्रेशर, तो ठीक है वो ऐसे करे कि थोड़ा मतलब अपनी एकेडमिक्स पूरी कर ले और उसके बाद एक दो साल प्रिपरेशन करके एग्जाम क्रैक कर ले। थैंक यू, धन्यवाद आशीष। जैसा कि हाल ही में आपने एक परीक्षा को पास किया है और आप जिस पद पर आज काम कर रहे हैं उस पद के लिए वो परीक्षा थी, तो इसमें कह सकते हैं कि आज आर्थिक सुदृढ़ता की जब बात होती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तो जो आजकल के विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, ये बहुत फेवर करते हैं इस चीज को कहीं ना कहीं कि सरकारी नौकरी में एक प्रकार की आर्थिक सिक्योरिटी मिल जाती है, सुदृढ़ता होती है, तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो सरकारी पद पर हैं, आप युवा हैं, आप साथ में पढ़ाई भी करते हैं, तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। सर, जहां तक जॉब सिक्योरिटी की बात है तो सरकारी नौकरी को ज्यादातर लोग प्रेफर करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हालांकि इसमें काफी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है सबसे पहले, और उसके बाद आपकी रिटायरमेंट एज है वो 60 ईयर्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उससे पहले अगर आप कोई बहुत
नेक्स्ट लेवल का अगर आप कोई कोई अगर कुछ एक्ट ना करें ऐसा, तो आपको कोई हटा नहीं सकता। तो इसमें कोई कॉम्पिटेंसी वाला कोई सवाल नहीं पैदा होता। अगर आप कॉम्पिटेंट हो या ना हो, आपके पास अगर बेसिक स्किल्स हैं उस जॉब के लिए, तो आपको हटाया नहीं जा सकता। ना ही आपकी जो सैलरी है या डिमोशन है, ये सब चीज़ें नॉर्मल कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो जॉब सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। और दूसरा पहलू ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, अगर आप में स्किल्स है, अगर नॉलेज है और जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसको आप फुलफिल करते हैं, और तो आपको उसमें भी जॉब सिक्योरिटी ही है। हालांकि उसमें एक पहलू अलग है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अपस्किल करने की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बहुत डायनामिक है, तो इसमें कंटिन्यूअसली इसमें आपको अपस्किल करने की आवश्यकता पड़ती है जो मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से। तो आप अगर अपस्किल कर रहे हैं खुद को, तो आप एक सिक्योर फील करेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत कॉम्पिटिटर है आपके साथ, उनके साथ कॉम्पीट करना होता है। अगर आप री अपस्किल नहीं करेंगे खुद को, तो जाहिर सी बात है आप इनसिक्योर फील करेंगे। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा काम डिफरेंट टाइप का होता है, बेसिकली फाइल्स और नॉर्मल मेलिंग ये सब चीजें होती है क्लरिकल लेवल पे, तो उसमें अगर आपकी बेसिक स्किल्स हैं तो उससे काम चल जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्टिव एक सेक्टर है जो मार्केट डिपेंडेंट है टोटली, तो इसलिए इसमें कंटिन्यूअसली उस हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है, तो इसलिए काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है। और जो इसलिए फिर यूथ जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है। मेरा सवाल अगला अमन से है। अमन, जैसा कि आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं एक समय से, और जो सिक्योरिटी की ये वाली बात है जैसे आशीष ने कही, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे प्राइवेट सेक्टर में जो सिक्योरिटी के जो टर्म्स होते हैं और जो जो एक्सपेक्ट करते हैं लोग, उस पर कुछ कहिए अमन। बिल्कुल पल्लव, कुछ एक बातों से मैं आशीष से और सिक्योरिटी से दोनों से ही सहमत हूँ, लेकिन दोनों का अपना अपना एक महत्व है। अगर मैं सरकारी जॉब की तरफ आज की डेट में देखूँ, तो कहीं ना कहीं सरकारी जॉब आज की डेट में उतना ज़्यादा आपको फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रही है जितना कि आपको प्राइवेट सेक्टर करता है। तभी करके शायद सरकार भी MSME एक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं प्राइवेट को बढ़ोतरी दे रही है। मैक्सिमम सेक्टर्स हमारे प्राइवेटाइज्ड हो रहे हैं। अब क्षितिज खुद एक फार्मेसी बैकग्राउंड से है, मैंने फार्मेसी एक टाइम पे कर रखी है, लेकिन अगर आज मैं देखूँ तो हमारे यहाँ पे लाइफ साइंसेज का इतना स्कोप मिल ही नहीं रहा है। बायोटेक में, फार्मेसी में PhD करने के बाद भी लोग डिफरेंट डिफरेंट MNCs में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आज की डेट में है कहीं ना कहीं युवा को भी ये चीज थोड़ी सी जागरूकता हो गई है कि जो मैं डिग्रीज कर रहा हूँ, अगर मैं फार्मेसी में 4 साल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं M Pharma में 2 साल और दे रहा हूँ, लेकिन मैं मोटिव क्या लेके चला हूँ कि यार मुझे UPSC क्रैक करना है, मुझे SSC क्रैक करना है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं उस 6 साल पहले ही उस चीज के बारे में थोड़ी सी जागरूकता ले लूँ, मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स या पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाऊँ, तो मैं उस चीज को ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। उसी तरह अगर आप जॉब सिक्योरिटीज की बात देखते हैं सरकारी महकमे में, एक चीज ये हो जाती है कि काम थोड़ा सा स्लो है आज की डेट में। 3-3 साल पे लोग कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं 5-5 साल तक उनके कॉन्ट्रैक्ट वो पक्के नहीं हो पा रहे हैं। अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो वो पक्के नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ा सा शोषण हो जाता है। प्लस कहीं ना कहीं इसमें टैलेंट की जरूरत नहीं रह गई है आज की डेट में। मैक्सिमम चीजें आकर्षण पे चली हुई है, या आपके पास लाइक यू नो कहीं ना कहीं आपको वो थोड़ा बहुत जो कोटा सिस्टम की मार सबको रहती है कि एक टैलेंटेड यूथ पीछे रह जा रहा है। अब टैलेंटेड यूथ के पास दूसरी ऑप्शन क्या रह जाती है? डेफिनेटली एक आपके पास प्राइवेट सेक्टर ही है। यहाँ पे आपको एटलीस्ट जो आपका टैलेंट है, जिस हिसाब से आपकी क्षमताएं हैं, उस हिसाब से आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहे हैं। हाँ, काम ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा जॉब सिक्योरिटी भी कम है कि अगर आपका आज की डेट में आपका कोविड आया तो बहुत लोगों की जॉब गई, इसमें कोई वो नहीं है। अगर सरकारी महकमे में आपने जॉब छोड़नी है तो आपको एक बहुत ही एक ठोस कोई चीज चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई निष्कासित कर सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अपने कुछ फायदे भी हैं, और आने वाले टाइम में जहां तक मुझे लगता है कि हर एक चीज प्राइवेटाइज ही हो जाएगी,
तो आपके जो आपकी क्षमताएं हैं, आपका जो टैलेंट है, आप प्रॉपरली यूज कर सकते हैं उसको। आपने जो एजुकेशन ली है, आपने नोट किया होगा जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, चाहे IITs के हैं, चाहे IIMs के एग्जाम हैं, चाहे कैट का है, चाहे AIEEE का है, जैट का है, कहीं ना कहीं उसके बाद कोई भी सरकारी जॉब्स में नहीं जाना चाहता। या तो वो देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, दूसरी कंपनीज को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे जहां तक लगता है कि यूथ को थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे और अपनी क्षमताओं को कैसे अपर लेवल तक जा सकते हैं। तो दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है। मतलब सरकारी एक सिक्योरिटी है, लेकिन फिर उसमें आपको बढ़ने के लिए ताउम्र लग जाती है। आज की डेट में पेंशन ग्रेच्युटी वैसे भी खत्म हो गया है कल्चर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सेम भी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अपने अपने फायदे नुकसान है, बट आने वाला टाइम मुझे जहां तक लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स थोड़ा ज्यादा ही फ्लरिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद अमन, बहुत अच्छी सही और सटीक बात आपने कही। और क्षितिज से मैं इस बारे में थोड़ा सा और कहना चाहूंगा कि जैसे अभी वो स्टूडेंट हैं और पढ़ रहे हैं और सब मतलब उनके सहपाठी होंगे, साथ के होंगे, तो जैसे उन्होंने बात की थी कि फार्मेसी हो जाता है, फिर आप अचानक से आपकी चीजें बदल जाती हैं, तो ये जो सिलेबस में जो डिफरेंस है ना, अगर आप देखा जाए कि मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है कि आप अगर चेंज करते हैं आप। और आजकल इतना अपॉर्चुनिटीज भी है, लाइक कि कुछ किसी को मन करता है कि अभी वो मेडिकल बैकग्राउंड से है लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाए या किसी पार्ट में जाए, तो सिलेबस के अगर डिफरेंस को देखें क्षितिज, तो ये चैलेंजेस क्या है जो स्टूडेंट के लेवल पे अगर देखा जाए, और आप अपने तरफ से देखें या अपने दोस्तों की तरफ से, अपने साथ के लोगों की तरफ से, तो इनसे कैसे कोप किया जा सकता है, थोड़ा विस्तृत जवाब इस पर मैं चाहूंगा। बिल्कुल अमन की बात को मैं बिल्कुल सेकंड करता हूँ, मतलब जो भी उन्होंने कहा बिल्कुल सच है पहले तो। और इसके अलावा अगर जैसे आपने कहा कि एक चैलेंजेस, तो अब फार्मेसी के बाद अगर देखा जाए तो रिलेटिवली जॉब्स मतलब जितने फील्ड्स में होनी चाहिए उतनी है नहीं, क्योंकि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो उधर फार्मेसी को मतलब डॉक्टर्स या फिजिशियंस के ऊपर का प्रोफेशन पकड़ा जाता है। वैसे इंडिया में फार्मेसी की इमेज सिर्फ कंपाउंडर की रखी है कि फार्मेसी मतलब या तो रिटेल की शॉप रहेगी या फिर उसका मतलब दवाइयां बांटने का काम रहेगा। वैसे बाहर की कंट्रीज में अगर देखा जाए तो फार्मेसी को क्लिनिकल फार्मेसी वाला ऑप्शन रहता है, हॉस्पिटल फार्मेसी वाला ऑप्शन रहता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो इंडिया में अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए। तो अगर ऐसे ऑप्शंस को देखा जाए तो ये मतलब हमारा पहला हर्डल है, क्योंकि जब तक ये ऑप्शंस नहीं खुलेंगे तब तक फार्मेसी वालों को एक्सपोजर नहीं होगा, क्योंकि फार्मेसी वाले उसके अलावा क्या ही कर सकते हैं। फिर बाहर आएंगे, अगर खुद का रिटेल शॉप फैमिली बैकग्राउंड में होगा तो उसी में कंटिन्यू करेंगे, इसके अलावा या तो फिर कोई कंपनी में जॉब करेंगे। अब कंपनी इतनी नहीं होती कि सब फार्मेसी जितने स्टूडेंट्स हैं सबको अकोमोडेट कर सके, तो फिर फार्मेसी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो फिर दूसरे कोई सेक्टर में जाना पड़ता है, क्योंकि जॉब तो करना है, बैचलर्स हुआ है, घर का प्रेशर है, बैचलर्स करने के बाद भी क्या हुआ, तो ऐसे मतलब सोसाइटल प्रेशर भी रहता है अलग से। अगर किसी और ने बैचलर्स नहीं किया तो वो भी वही कर रहा है और हम भी वही कर रहे हैं, तो वो सोसाइटल प्रेशर एक रहता है अलग से। तो ये दो तीन जो ऑप्शंस है ये हमें एक्सप्लोर करने चाहिए एज ए सिटीजनरी। इवन मतलब लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट है उससे किस तरह से ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मतलब फार्मेसी कैसे काउंसिल कर सकता है, ये ऑप्शन हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा और एक चैलेंज ये है कि स्टूडेंट्स जब बाहर पढ़ते हैं तब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होता कि अब इसके आगे क्या, क्योंकि कुछ बच्चे तो कॉलेज करते हैं बस सिलेबस कंप्लीट करते जाते हैं, और आधे से ज्यादा बच्चों को मालूम नहीं होता अब आगे क्या। तो जो हमारे सीनियर्स करते आए हैं उनके जैसे एग्जाम्स देने के, और उसके बाद कोई मतलब हायर मास्टर्स ऑफ फार्मेसी या कोई हायर कोर्स के लिए जाने का, तो ऐसे मतलब बच्चे करते रहते हैं। तो इसी मतलब ये जो हर्डल्स है बच्चों के लिए, पहले से ऐसे काउंसलिंग हो कि इसके बाद आपके लिए ये अल्टरनेटिव ओपन है, आप ये अल्टरनेटिव एक्सप्लोर करो। और खुद का मतलब अगर देखो कोई फार्मासिस्ट है वो खुद से हॉस्पिटल में जाए और बोले कि मैं आपको फार्मासिस्ट की क्लिनिकल फार्मेसी की सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, तो ये एक अवेन्यू ओपन होगा उसके लिए कि वो क्लिनिकल फार्मेसी और काउंसलिंग भी कर सकता है। तो ऐसे अवेन्यूज डेवलप होने चाहिए और इसी तरह से फार्मेसी के हर्डल्स कम हो जाएंगे। ये मैंने आपको फार्मेसी के हिसाब से बताया, ऐसे ही चैलेंजेस सब सेक्टर्स के हैं, उनको बस एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हमारे सेक्टर के क्या चैलेंजेस है और सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। धन्यवाद क्षितिज, बहुत सही बात कही आपने, और आशीष को मैं इस पर लाना चाहूंगा कि आशीष जैसा कि अमन जी ने भी कहा था, स्थिरता जैसे स्टैग्नेंसी आ जाती है, कहीं ना कहीं स्टैग्नेंस आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब में, तो आप कर रहे हैं जैसा कि आप नए हैं, और जो स्थिरता का सवाल है, और एक और सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा जो जॉब सेटिस्फैक्शन की बात होती है, कहीं ना कहीं एक हर युवा के मन में जॉब सेटिस्फैक्शन
आता है या, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सच है कि जॉब स्टेगनेंसी आ जाती है अगर आप, आपके पास अवेन्यूज आगे बढ़ने के नहीं है। लेट से अभी मेरे पास बहुत अवेन्यूज हैं क्योंकि अभी मैं बिल्कुल लोअर स्केल पे हूँ, तो आगे अभी ग्रेजुएशन होने के बाद जैसे और एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे, एसएससी है, यूपीएससी है और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स है, पुलिसिंग में भी अगर कोई जाना चाहे जा सकता है। तो बस बात ये है कि प्रमोशन को लेकर अगर जहां तक बात है तो प्रमोशन में बहुत टाइम लगता है। लेट से एलडीसी से यूडीसी बनने में 5 साल का वेट करना पड़ता है, उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है और उसमें भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा एज नहीं होता। आप चाहें कितना भी बेस्ट कर लो अपनी जॉब में, आपको 10 साल लगने हैं तो आपको 10 साल ही लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत एक्स्ट्रा काम कर लो गवर्नमेंट सेक्टर में और आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाए। पुलिसिंग को छोड़ के, पुलिसिंग में थोड़ा डिफरेंट होता है, नॉर्मल सिनेरियो में आप कितना भी बेस्ट दे लो अपना, तो उसमें प्रमोशन एक स्पीड होती है, वो अपने हिसाब से होती है। हाँ, अगर आप में टैलेंट है तो आप दूसरे एग्जाम्स दे सकते हैं, जिस पोजीशन पे आप हैं उससे नेक्स्ट लेवल पे बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा पहलू आपने क्या पूछा? जॉब सेटिस्फेक्शन वाली बात। हाँ, जॉब सेटिस्फेक्शन भी खुद पे डिपेंड करता है। जैसे क्लरिकल जॉब में आप क्या सेटिस्फेक्शन लोगे, आपका वही काम होता है डेली सेम, कंप्यूटर ओपन करो, फाइलें ओपन करो, फाइल्स प्रोसीड करो आगे, ये सेम एक साइकिल चलती रहती है। तो अब इस क्लरिकल जॉब में अगर आप सेटिस्फेक्शन चाहते हो तो जॉब में सेटिस्फेक्शन का बहुत कम स्कोप है। इसके अलावा अगर कोई जॉब में है, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं काफी स्पोर्ट्स में एक्टिव हूं। हमारे पास जैसे सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो उस दौरान हम काफी स्पोर्ट्स, जैसे टेबल टेनिस मेरा फेवरेट है, स्विमिंग भी मैं करता हूं। तो जॉब से हटके आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और भी आप नई स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं अगर आपको जॉब से, ट्रैवलिंग भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो जॉब में ही अगर सेटिस्फेक्शन ढूंढनी है तो आई थिंक क्लरिकल जॉब उतनी रोमांचक नहीं होती, ना ही उसमें नए चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, तो आप पूरी लाइफ रिटायरमेंट तक एक सेम साइकिल में बंधे रहते हैं। और मोस्टली लोगों के साथ यही होता है जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, सभी आप देख लीजिए बिल्कुल, इट्स लाइक उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, जैसे बिल्कुल निराश, एक उनके चेहरे पे ही निराशा दिखती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो, उनके पेट निकले हुए ना, उनकी कोई हेल्थ, तो ये चीज है, वो एक मस्ती में खो जाते हैं अपनी जॉब सिक्योरिटी वाली। तो वो जो इंसान की लाइफ होती है वो एक चैलेंज से भरी होनी चाहिए, तभी उसको जीने में मजा आता है। और आई थिंक गवर्नमेंट सेक्टर वाले एम्प्लॉयज ये चीज मिस करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सैटरडे संडे को कोई स्पोर्ट्स में या कहीं कोई नई एक्टिविटी, नई स्किल सीखने पे ध्यान देता है गवर्नमेंट सेक्टर में। ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज है गवर्नमेंट सेक्टर की, मुझे ऐसा लगता है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए खुद से एफर्ट लगाना होता है, तो और ये सब चीजें मैंने बताई, आप कर सकते हैं। मैं अगला सवाल मैं अमन से पूछना चाहूंगा, सवाल कहूं या उनकी राय कहूं कि जैसे कि इंसेंटिव की बात की आशीष ने कि इंसेंटिव्स कम होते हैं, ग्रोथ तो कैसे सफल हो जाता है प्राइवेट सेक्टर इन इंसेंटिव्स को देने में, जैसे जो जो उनमें कर रहे हैं तो उनको प्रोवाइड करने में कैसे सक्सेसफुल हो जाता है प्राइवेट सेक्टर, और कैसे नए युवाओं को लुभा लेता है अपनी तरफ, क्योंकि ये बड़ी बात है कि गवर्नमेंट सबसे बड़ी चीज कह सकते हैं एक स्टेट में होती है, उसके बावजूद जो प्राइवेट सेक्टर है योगदान उनका काफी है, प्राइवेट सेक्टर का कह सकते हैं कि ज्यादा है सब। हमारे प्रधानमंत्री भी अक्सर $5 trillion इकोनॉमी की बात करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा रहने वाला है और है भी, तो कैसे आखिर इन इंसेंटिव्स को प्रोवाइड कर पाता है प्राइवेट सेक्टर और नए लोगों को अपनी तरफ लुभा पाता है, बजाय इसके कि कहीं ना कहीं उसमें सिक्योरिटी की संभावना कम होती है।
इसमें एक बड़ी ही साधारण सी अप्रोच हो जाती है आपकी पल्लव, कि सबसे पहली बात जितनी भी आपके पास जिनको हम आज की डेट में कॉरपोरेट वर्ल्ड कह लें या एमएनसी कल्चर कह लें, मल्टीनेशनल कंपनी, ये सारी बहुत ही वेल फंडेड कंपनीज हैं। ज्यादातर जो आपका बिजनेस है वो डिफरेंट डिफरेंट देशों के बीच में ही चलता रहता है, जो ट्रेडिंग का बिजनेस है बेसिकली। तो कुछ फायदा हम देते हैं, कुछ हम उनसे लेते हैं। तो अगर मैं आपको बहुत ही एग्जाम्पल दूँ, तो कुछ एक सालों में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टअप्स बहुत हुए हैं। अगर आप बैंगलोर में एक साल की अगर आप देखें तो कम से कम 850 स्टार्टअप्स है, जिसमें से कुछ $1 बिलियन स्टार्टअप्स है। अब क्या होता है कि सरकार में आज की डेट में, आशीष भी शायद इससे सहमत होंगे, कि अगर आपने डियरनेस अलाउंस लेना है, आपने एरियर बढ़वाना है, तो आपको पे कमीशन के तहत बंधे हुए हैं। अब वो सरकार पे निर्भर करता है, वो 6 साल में आए, वो 5 साल में आए, वो 3 साल में आ जाए, वो 7 साल में आए, वो ना भी आए। अभी कई आप अगर राज्यों में देखेंगे तो आपका 6ठा पे कमीशन ही नहीं आ रखा है, और हम आज की डेट में 7वें पे कमीशन की बात करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ से ही हो जाता है कि यार आपको बहुत ही ज्यादा एक इंतजार लंबा, रिटायरमेंट के बाद भी आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं, राइट। दूसरी बात, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ, तो जब आप पहले ही बात करते हैं तो जो आपका एक कॉस्ट टू कंपनी दिखाया जाता है, वही बड़ा लुभावित करता है आपको कि मुझे इतना मिल रहा है। जहाँ पे सरकारी महकमे में मुझे कहीं ना कहीं पे ग्रेड और पे स्केल के ऊपर देख के ही कैम थोड़ा सा हो जाता है यार, 3800 पे ग्रेड, 4600 पे ग्रेड, वहां पे आपको बोल दिया जाता है आपको 8 लाख पैकेज मिलेगा, जबकि उस टाइम आपका उतना स्किल भी नहीं है, क्योंकि उनके पास फंड्स बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात ये भी हो जाती है कि आज की डेट में सरकार भी क्यों इस चीज को थोड़ा सा प्रोत्साहन दे रही है, कि अगर आज की डेट में आप कुछ कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ 5 ऐसे लोगों को जोड़ोगे जो अपने स्किल को यूज कर पाएंगे आपके लिए, तो आप रोजगार भी दे सकते हैं, इसीलिए आपको फंडिंग्स भी मिलती है। तो ये थोड़ा सा हो जाता है कि जो इंसेंटिव प्लान्स हैं उनके, जबकि जॉब सिक्योरिटी में एक तरफ मानता हूं कम है, लेकिन वो एक लेवल तक कम है जब आप इनिशियल स्टेजेस में है। जब आप एक कोई ओहदा प्राप्त कर लेते हैं वहां पे, जहां पे एक अच्छे लीडर या मैनेजर लेवल पे बन जाते हैं, तो आपकी वो भी सिक्योरिटी बन जाती है, और आपको ईपीएफ और प्रोविडेंट फंड के पूरे बेनिफिट्स हैं। आज की डेट में आपको इंश्योरेंस आपको पूरी करवाई जाती है, आपके परिवार को उसके अंदर लिया जाता है जो आपके डिपेंडेंट है। तो क्या है कि इनके पास पैसा बहुत है, अगर मैं आपको बहुत ही साधारण शब्दों में बताऊं, पैसा बहुत है, लेकिन ये उतना निकाल भी लेते हैं, इनको काम करवाना। दूसरी बात, आपको हर 3 या 6 महीने में आपको एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम करवाया जाता है, कि जरूरी नहीं है कि अगर मैं इंजीनियर हूं तो मैं इंजीनियर से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ तो मैं फार्मेसी से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी काम कर रहा हूँ आज की डेट में, मुझे उससे थोड़ा सा स्किल मेरा जनरेट करवाया जा रहा है, उससे रिलेटेड मुझे चीजें बताई जा रही है, मुझे अवेयरनेस दी जा रही है। प्लस जितनी भी हमारे पास वेस्टर्न जो आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप देखें तो आपको हर वीकली आपको कोई ना कोई, जैसे आशीष कह रहे थे, कोई ना कोई गेम्स करवाई जाती हैं आपके लिए, लाइक यू नो डिफरेंट कल्चर बनाया है। अगर आप साइकोलॉजिकली थोड़ा सा स्ट्रेस में आ रहे हैं, उसके लिए आपके टैलेंट एक्विजिशन के टीम्स बनाई गई हैं जो कि आपको इसमें हेल्प आउट करती हैं, कि ताकि आप एक अपना अच्छा एनवायरमेंट और अपना 100% दे पाए, और उस हिसाब से आप अपने को इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी ले पाए। बहुत सही बात कही आपने अमन, जैसा कि जिस चीज की कमी होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई प्राइवेट सेक्टर करता है, तभी लोग उसकी तरफ जाना पसंद करते हैं। जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की बात कहें, मानसिक तौर पर उसको रिलीज करने की बात कहें, या एक एक ओहदे के ऊपर जाके सिक्योरिटी भी जो प्रोवाइड करते हैं, तो ये चीजें बिल्कुल सही हैं। मैं क्षितिज से कुछ बातें जानना चाहूंगा। जैसे उन्होंने बताया कि कैसा डिफरेंस है बाहर का, देखें अंतर को अगर देखा जाए तो, कि किस प्रकार से किस पाठ्यक्रम को कहाँ वरीयता दी जाती है, हमारे यहाँ नहीं दी जाती है, तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए व्यक्तिगत रूप पे, जैसे कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, तो क्या उम्मीदें क्षितिज आप रखते हैं एक विद्यार्थी के तौर पर, एक नवयुवक के तौर पर, कि किस तरह के बदलाव होने चाहिए जिससे ये जो डिवाइड है, कह सकते हैं ये जो डाइकोटमी जो बन गई है इस प्रकार से, कि चीजें बढ़ जाएं और एक तरफ सरकारी नौकरी हो जाए, एक तरफ तैयारी का पाठ्यक्रम हो जाए, एक तरफ अलग अकादमिक परिदृश्य हो जाए, तो इसको कैसे एक मिला के रख सकता है, आपकी उम्मीदें क्या रह सकती हैं सरकारी स्तर पे और प्रशासन के स्तर पे? क्षितिज, उम्मीदें तो कब खत्म होती ही नहीं अगर देखा जाए इसी हिसाब से, तो क्योंकि अगर हम देखे जो आपने पूछा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी बहुत सालों बाद रिवाइव हुई है, ऐसे कह सकते हैं, मतलब अगर कहे तो 50 साल भी कम नहीं, क्योंकि अभी बीच में एक रिवाइवल आया था 9-10 साल पहले, पर उसमें हालांकि कोई ऐसे डायनेमिक चेंजेस नहीं थे जो डायनेमिक चेंजेस इस पॉलिसी में दिख रहे हैं। अब अगर इसी तौर से देखा जाए तो पॉलिसी सब अच्छी रहती है, जो मैटर करता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। अब ये यूपीएससी फ्रेटर्निटी में सबको ही मालूम होगा कि इम्प्लीमेंटेशन मतलब ज्यादा मैटर करता है। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन या एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए,
तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले ये पॉलिसी जो है वो अपर स्ट्रेटा से नीचे आनी चाहिए, क्योंकि हर बार हम जो देखते हैं बातें नीचे से ऊपर जाती है, पर इस पॉलिसी में मुझे ये लगता है कि बातें ऊपर से नीचे तक आनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जरूरत है कि टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, क्योंकि हमारे बहुत सारे टीचर्स उस एजुकेशन बैकग्राउंड से आए हैं जिस एजुकेशन बैकग्राउंड को हमने चेंज करने की बात की है। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि सबसे पहले उन टीचर्स को इसी एजुकेशन पॉलिसी का कोई आइडिया दिया जाए, उसी के हिसाब से उसी लिहाज से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, तो उसके बाद ही हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस एजुकेशन पॉलिसी की जो एक्सपेक्टेशंस है उस एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरेंगे। तो ये सबसे पहले बात हुई। उसके बाद बात आती है सोशल इंक्लूसिविटी की, मतलब अगर हम देखा जाए तो अब इसी पैंडेमिक के सिचुएशन को कंसिडर करते हुए एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा कि अगर हम देखें तो डिजिटल डिवाइड इतना है कि कुछ फैमिलीज के पास हर बच्चे के पास एक दो फोन है, और कुछ फैमिलीज में पूरे फैमिली में एक फोन है, और कुछ फैमिलीज में तो वो फोन भी नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुछ फैमिलीज में तो बच्चे पढ़ाई की बात सोच भी नहीं सकते, करने की तो बात ही अलग, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि टीचर से कम्युनिकेशन नहीं होगा। और अगर मतलब इतना जब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद उन फैमिलीज या उन बच्चों का हम कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से एक आइडिया कोट करना चाहूंगा कि अगर उस गांव में ऐसा कोई स्कूल हो या फिर ऐसा कोई एनवायरनमेंट हो जिधर एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगाया जाए और उसी प्रोजेक्टर पे उस गांव के वो बच्चे पढ़ाई कर सके जिनके पास ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वो बच्चे वहां जा सकते हैं। और इस जैसे आनंद स्कूल्स रहते थे, इस स्कूल्स को हम ओपन बैकग्राउंड में भी रह सकते हैं। तो कोरोना के टाइम में ऐसे कुछ नहीं कि उधर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती, और गांव में इतनी बड़ी जगह होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना आसान होता है। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं जो इंक्लूसिविटी को मैटर करते हैं। तो उम्मीदें यही है कि चेंज जो हो वो ऊपर से नीचे हो, मतलब जैसे पॉलिसी मेकर पहले बदल जाए, उसके बाद थिंकर बदल जाए, मतलब जो टीचर फ्रेटर्निटी है या जो एजुकेशनल फ्रेटर्निटी है वो बदल जाए, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पॉलिसी चेंज लाने की बात हो रही है वो नीचे तक आ सक्ती है। धन्यवाद क्षितिज, आपने ये जो टॉप डाउन अप्रोच की बात कही, ये जरूरत है, इस समय समय की मांग है, और कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसको करना पड़ेगा ताकि चीजें बेहतर हो सके। मेरा आखिरी सवाल दो लोगों से है, अमन से भी है और आशीष से भी है, और मैं छोटा जवाब चाहूंगा इस पर। जैसा कि एक कहीं ना कहीं सोसाइटी की जब बात हम देखते हैं, लाइक अभी हमने बात कर ली कि प्राइवेट जगत जो निजी क्षेत्र है जो सरकारी क्षेत्र है उनकी मेरिट्स डीमेरिट्स कमियां खूबियां, पर अगर एक समाज के तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं समाज में भी ये बातें आती हैं, लाइक समाज के लोग भी कहीं ना कहीं वो हमारे ही हम ही समाज को बनाते हैं। तो वो बात ऐसे आती है कि किस प्रकार से कि कोई कहता है कि आप सरकारी नौकरी की तरफ जाएं, कोई कहता है, तो आजकल के जो युवा है वो कहीं ना कहीं, और कोई भी हम में से भी कोई हो, या एक दौर ऐसा आता है जब हम खो जाते हैं उनकी बातों में कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि इतनी बातें बता दी जाती हैं हमको कि फिर सोचने के लिए और उसके लिए बहुत एक बड़ा समंदर मिल जाता है, और समंदर बड़ी चीज होती है, तो उसमें से अपने काम की चीज ढूंढना और फिर उस पर भिड़ना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो एज अ सोसाइटी जो बदलाव सोसाइटी हमको जो रिस्पॉन्ड कर सकता है जिस तरीके से ताकि हमारा जो परफॉर्मेंस बेटर हो सके, तो उस पर मैं जानना चाहूंगा। पहले अमन आप कुछ कहें थोड़ा सा, और फिर आशीष से मैं थोड़ा क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगा। पल्लव, मैं इसमें यही कह पाऊंगा कि सबसे पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुद को जागरूक करना बहुत ही अहम बात हो जाती है कि 10 लोग आपको 10 सलाहें देंगे, लेकिन जब मैं आपके इंडिविजुअलिटी या करियर की बात करता हूं तो उसमें आप अकेले ही हैं। जितना बेहतर आप अपने आप को जानते हैं उतना बेहतर शायद आपको और कोई भी नहीं जानता। तो आप राय मशवरा सबसे लें, लेकिन आपकी रिसर्च कितनी इंटेंस है, आप अपने बारे में क्या जानते हैं, आप अपनी क्षमताओं से कितना सेटिस्फाइड हैं, आपको पता है आप कितने पानी में हैं। अगर आपको इतना पता है कि आप कितना पानी में हैं, तो आप समंदर से मोती भी ढूंढ लेंगे, नहीं तो आप उसी समंदर में डूब जाएंगे। तो इसका बहुत ही साधारण सा यही जवाब है मेरी तरफ से तो पल्लव, कि आप खुद जागरूक हो, आपको पता है आप किस में, और किसी भी कार्य को करना जरूरी है। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे आप अंत तक नहीं पहुंचेंगे, आप करें तो आप उसमें जरूर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद आशीष। हाँ सर, जो समाज में एक धारणा बनी हुई है कि सरकारी नौकरी ले लो और बस आराम ही आराम है, तो ये आराम वाली जो भावना है ये बहुत ही एक नेगेटिव भावना है। इससे होता ये है जो हम देख रहे हैं, करोड़ों लोग सेम जॉब के लिए अपने सालों साल बर्बाद कर देते हैं उसी के चक्कर में। तो हमें समाज में ये बदलाव लाने की आवश्यकता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है,
एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है वो युवाओं में विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि वो एक जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर्स बन सकें। तो अगर सभी एक जॉब वाली लाइन में खड़े हो जाएंगे तो जॉब देने जॉब लेंगे कहाँ पे, जब जॉब देने वाले ही नहीं होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की भावना डेवलप अगर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएटर्स हमारे समाज में बनेंगे, और समाज में भी उनके प्रति एक धारणा बदलेगी कि हाँ हमारे युवा कुछ कर सकते हैं, वो बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करें, एक स्मॉल स्टेप भी लें तो एक समाज में एक ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप और एक इसके प्रति एक पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। और जहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, तो इसमें ये जो कई नई सेक्टर्स हैं, कई नई सेक्टर्स हैं जो सिक्स्थ क्लास के बाद ही उनमें एक उनमें ट्रेनिंग की एक बात की गई है। जैसे नए सेक्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, डेटा साइंस हुआ, फाइनेंशियल लिटरेसी हुआ, मशीन लर्निंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कोडिंग, कोडिंग की एक बात है छठी क्लास से ही। तो ये जो नए सेक्टर्स हैं इनमें ये सिक्स्थ क्लास से शुरू होंगे, तो 10-12 तक पहुंचते पहुंचते जब वो एग्जिट करेंगे तो उनके हाथ में एक स्किल होगी, और उस स्किल से वो आगे एक सिक्योरिटी भी फील करेंगे जो आपने कहा। सो ये सब चीजें इसमें है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है इसमें। सो ये यहीं पे मैं कंक्लूड करूंगा अपने। धन्यवाद आशीष। अमन कुछ कहना चाहते थे शायद आप, प्लीज हम आपको सुनेंगे। मैं इसमें सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी से ही रिलेटेड एक पॉइंट बोलना चाहता था कि अब नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, जो आ भी गई है, जैसे हमने देखा अभी एमफिल नहीं रहा और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, उसी हिसाब से कहीं ना कहीं हमारा जो एक सिलेबस है उसका अपग्रेड करना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज की डेट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगर मैं एमबीए कल्चर बताता हूं, तो एमबीए कल्चर सारे कैट एनमैट जैट नहीं क्लियर कर पाते। लेकिन अगर मैं नॉर्मल एमबीए कॉलेज कहीं भी देख लेता हूं, थोड़ा मैं पेरेंट्स को भी आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आप ये ना देखें कि कैंपस कैसा है और क्राउड कैसा है, आप ये देखें कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं जिन्होंने पढ़ाना है आपको, जिन्होंने स्टूडेंट को नॉलेज देखनी है, क्योंकि जिसको खुद नॉलेज नहीं है वो आगे नहीं दे पाएगा। प्लस आप जब माइनर मेजर सोचते हैं, मैं माइनर में एचआर कर लूँ, मेजर में फाइनेंस कर लूँ, आप कहीं ना कहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने सीवी को कन्फ्यूज कर देते हैं। जॉब वाला भी आपको कैसे जॉब दे, आप एचआर हैं कि अकाउंट्स में, आपको खुद ही नहीं पता, राइट? तो थोड़ा सा हमारे को सिलेबस एक अपग्रेड और एक डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम जिसको कहते हैं, जिसमें आपकी क्षमता है कि जो एथलीट है उसको आप दौड़ने दें, वो बायोलॉजी भी उसी में पढ़ लेगा ट्रैक पे, फिजिक्स में भी उसको एंगल्स पता लग जाएंगे और केमिस्ट्री का भी पता लग जाएगा वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो थोड़ा सा उस चीज़ पे आई होप कि एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा सा हमारे सबके लिए एक चेंज लाएगी और सोसाइटी की धारणा भी इस पर बदलेगी, बस यही मैं ऐड करना चाहता हूँ। धन्यवाद अमन, बहुत सही बात बोली। जैसे आपने जो एनालॉजी दी है वो काफी हम लोग के लिए भी समझने में बड़ा आसान है कि कैसे एक जो धावक है वो ट्रैक पर ही सीख सकता है बायोलॉजी और फिजिक्स भी, तो बस उस चीज को उससे अवगत कराने की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है। तो सभी मेरे हमारे मेहमानों का धन्यवाद बहुत, क्योंकि बड़ा ही फ्रूटफुल डिस्कशन रहा, जिन जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की और हर चीज को कहीं ना कहीं हमने ध्यान में रखा है, और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को, जितने भी युवा और बाकी लोग देखेंगे, उनको कहीं ना कहीं अपने फैसले लेने में इन बातों को ध्यान में अगर वो रखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, कहीं वो बेहतर फैसला ले पाए पहले से कहीं ना कहीं। तो फिर से एक बार मैं सभी अपने अतिथियों का धन्यवाद करूंगा, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भारत फर्स्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारा मोटो है टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एम्पावर द यूथ। हम खास करके यहाँ पर युवाओं की बातें करते हैं और युवाओं को आगे रखने का प्रयास करते हैं। भारत फर्स्ट का ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है नॉलेज सेंटर, जहां पर आप जाके और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, साथ में अन्य भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म बाकी प्लेटफॉर्म से, बाकी मंच से अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं वो खेल खेल में होती हैं, आपके लेक्चर्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, उसके बाद आप गेम्स खेलते हैं और उनको खेल के आप ऐसी चीजें सीखते हैं, और उसके बाद वो चीजें स्वतः आपके दिमाग में बैठ जाती है, ना उसको आपको लिखने की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमारे सभी गेस्ट ने भी कहा था कि करिकुलम को इस तरह से डिजाइन करने की जरूरत है कि चीजें रोट लर्निंग से बदलें और मानसिक तौर पर वो चीजें फिट बैठने पर आए। तो नॉलेज सेंटर कहीं ना कहीं इस जो कमी है, इस जो रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा करता है। तो मैं सभी से निवेदन, गुजारिश करूंगा कि जाएं नॉलेज सेंटर पर, रजिस्टर करें और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाएं। तो एक बार फिर से सभी को धन्यवाद,
और मेरा नाम है पल्लव कुमार। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।